Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum. आपको मैं वेलकम करती हूँ हिशाम फूड एंड सुराग में. आज हम बनाने लगे हैं पटाटो ऑमलेट. पता है क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं हमें चाहिए होती. अभी हम देख लेते हैं. एक प्याज चाहिए हमें और एक ही चाहिए आलू. पटाटो और टमाटर चाहिए एक, और हमें चाहिए 5 अंडे और नमक 1 चम्मच, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1 चम्मच चाहिए, 1 टीस्पून चाहिए गरम मसाला और हल्दी पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर. चलें जी हम स्टार्ट करते हैं. एक डाल लेते हैं हम अपने 1 चम्मच ऑयल डालें क्योंकि ऑयल बस. प्याज को थोड़ी देर ब्राउन करें फिर हम बताते हैं. हमारे प्याज थोड़े से हो गए हैं, वैसे इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना. अब इसमें पटाटो डाल दें, आलू तो एक अपने बारीक बारीक. अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा थोड़ा सा ऐसे पानी डाल सकते हैं आप, ताकि प्याज और जो पैन के साथ ना लगे. अब हम 1/2 टी स्पून लहसुन का पेस्ट डालने लगे. अपने टमाटर इनको लाइट लाइट जैसे कि ऑमलेट में बहुत ज़्यादा चीज़ों को सब को मिक्स नहीं कर देते, बस वो थोड़े नरम हो जाए, चीज़ें गल जाएं लेकिन रहें लाइट लाइट. अभी ये हम अपने मसाले डालने लगे हैं. देखें, हल्दी 1/2 टी स्पून, 1/2 टी स्पून गरम मसाला, 1/2 टी स्पून सुरख मिर्च, फिर ये खुश्क ड्राई कोरिएंडर, ये ब्लैक पेपर का पाउडर और साल्ट नमक, और एक स्पून साथ में ऐसे थोड़ा. अब हम डालेंगे अपने 5 एग, क्योंकि हमारा मसाला बिल्कुल मिक्स हो गया है. हमारा ऑमलेट रेडी हो गया है. अभी हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा धनिया. सो यम्मी पोटैटो. अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकन ज़रूर दबाएँ. दुआ में मुझे याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.